वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। महाराष्ट्र की सरकार धर्मस्थल खोलने के बाद अब स्कूल खोल रही है। 9 से 12 तक के स्कूल खुल जाएंगे। इस सरकार के फैसले पर कुछ घमासान मचा हुआ है राजनीतिक हलकों में। क्यों, आखिर क्या है यह आदेश और क्यों मचा हुआ है घमासान, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक छोटा सा पैकेज। सरकार का नारा है कि सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें, लेकिन कोरोना ने सरकार के इस मिशन को ऐसा झटका दे दिया है कि स्कूल कॉलेज फिर कैसे शुरू हो, इसे लेकर बड़ी जद्दोजहद चल रही है। फिलहाल लंबे लॉकडाउन के बाद उद्धव सरकार ने मिशन बिगिन अगेन के तहत नया फरमान जारी करते हुए 9वीं से 12वीं क्लास के छात्रों की पढ़ाई फिर प्रारंभ करने की तैयारी कर ली है। यह अच्छी खबर जरूर है कि अब फिर से स्कूल खुलेंगे, बच्चे फिर पढ़ने लगेंगे, लेकिन सवाल कोरोना से सुरक्षा का है। सरकार का जीआर इसे लेकर और भी असमंजस भरा है और यही वजह है कि पालक, शिक्षक या एजुकेशन एक्सपर्ट सब इस पर सवाल उठा रहे हैं। अधिकांश लोगों का यही कहना है कि सरकार को स्कूल खोलने के लिए नए एसओपी के साथ नया जीआर लागू करना चाहिए। इस कार्यक्रम में आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। जैसा कि इस पैकेज में आपने देखा कि सरकार ने क्या आदेश दिए, क्या व्यवस्थाएं करनी होंगी स्कूलों को खोलने के लिए, इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। विजय घाटे जी बीजेपी नेता हैं और मेंबर हैं सेंसर बोर्ड शिकायतकर्ता, यह शिकायतकर्ता भी हैं इस आदेश के खिलाफ। क्या शिकायतें हैं और इनकी हम इस पे इनसे चर्चा करेंगे। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम है दशरथ भगत जी, अध्यक्ष हैं नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था मुक्त व्यासपीठ के जरिए पेरेंट्स और स्टूडेंट की परेशानियों को अपने मंच से सरकार के सामने रखते हैं। तीसरे हमारे मेहमान हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं सुधाकर सोनावड़े जी, जो पूर्व महापौर हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में दीर्घ अनुभव रखते हैं, उनके बारे में भी चर्चा होगी। और साथ ही हमारे साथ विजय पाटिल जी भी बैठे हुए हैं, जो बच्चों के माता पिता का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, डिबेट को ओपन करते हैं सुधाकर सोनावड़े जी से, जो एजुकेशन के क्षेत्र में दीर्घ अनुभव रखते हैं। मैं जानना चाहता हूं सुधाकर जी कि आखिर सरकार ने मंदिरों के बाद यानी कि धर्मस्थल के बाद जो स्कूल खोलने का आदेश जारी किया है, क्या है वो आदेश? वास्तव में आप जिस जीआर की बात कर रहे हैं, वो उस जीआर को इस राज्य सरकार ने 2 महीने पहले भी एक बार माननीय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ जी ने यहाँ पर सामने रखा था। हम जून महीने से ही सरकार से ये पत्र लिखते थे कि किसी भी प्रकार स्कूलों को चालू रखो, जिससे आप देख रहे हैं कि आप शिक्षा से एक पूरी पीढ़ी बाहर हो जाएगी। अब जिस प्रकार से लगातार पूरे विश्व भर में होता है, नहीं होता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो लॉकडाउन हुआ है और कोरोना के चलते जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंस इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया जाता है, उसके खिलाफ भी मैंने राज्य सरकार को लिखा और कई बार मैंने कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से भी ये कहा कि भाई इस शब्द का इस्तेमाल मत करो। मैं एक कहूंगा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने कई बार इस बात का खुलासा किया कि
सोशल डिस्टेंस हमें ये शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, शारीरिक अंतर होना चाहिए, सुरक्षित अंतर होना चाहिए। और ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि आज भी पूरे विश्व भर में आज भी WHO को ये पता नहीं है क्या क्या कोरोना है, क्या वायरस है। अरे 6 महीने के बाद में पता चलता है कि टेम्परेचर यहाँ नहीं यहाँ नापा जाता है, 6 महीने के बाद में पता चलता है कि ये उंगली में ऑक्सीमीटर देखने का नहीं, ये उंगली में लगाने का है। यानी कि पूरे विश्व की जो यंत्रणा है ये समझ नहीं पा रही है कि क्या है और क्या नहीं है। और जो आज आपके सामने आदेश आया है 9वीं से लेके 12वीं तक के, और बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे, उसके बारे में क्या निर्णय लेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि जिस प्रकार से इस लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ के कुछ मतलब अलग ही इस देश में लाना चाहती है ये यंत्रणा, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जब ब्यूरोक्रेसी हमारे लोकतंत्र पर भारी होती है, वो भी आपके इस GR के माध्यम से। GR में क्या लिखा है? मैं GR को इस चीज के साथ जोड़ना चाहता हूँ कि जिस बारे में हमने पहल की थी कि जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे, परदेशी लोग थे, किस राज्य के, समझो यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस राज्य के लोग थे, और कोरोना के मारे लोगों को दबो के घर में रखा था, 10x10 के घर में 10 लोग रहते थे, किस प्रकार का सोशल डिस्टेंस था, किस प्रकार का सुरक्षित अंतर था, ये कुछ भी नहीं था। और उस चलते जब 3 तारीख को मई महीना में, यानी कि 40 दिन के बाद में जब लॉकडाउन खुला, हमने चिट्ठी लिखी कि भाई कुछ ट्रेनें चलाओ कि इन लोगों को स्पेशल ट्रेन में भेजा जाए, सरकार ने वहां नहीं भेजा, और जिसको चल के जाना है वो चल के जाएगा। मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, कुल मिलाकर के वो बातें जो जो यहाँ पे प्रवासी मजदूर थे उनको भेजने की बातें अलग हैं, लेकिन आज स्कूल खोलने की बात हो रही है और स्कूल खोलने के लिए GR आ चुका है। मैं इसी GR को मैं आपको रोकना चाहता हूँ। आपने कहा है कि 9 से 12 तक के बच्चे जो हैं, हाँ, उनकी बात आप कर रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? आप पूछ रहे हैं सरकार से कि बाकी बच्चों का क्या होगा, यानी कि 1 से 8 तक के बच्चे का, जहाँ तक हमारा मतलब सेंस कह रहा है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, मुझे आपने इस शहर का एक्स मेयर होने के नाते और जिम्मेवार नागरिक होने के नाते जो सवाल पूछा है, मैं उस सवाल को पूरी गंभीरता से आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस चर्चा में मैं ये चाहता हूँ ना कि जो लोग लाखों के तादाद में इस भारत देश की जब विभाजन हुआ उसके बाद में जितने लोग पैदल यहाँ से वहां चले थे, उससे ज्यादा लोग आज हम देख रहे हैं कि यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कई लोगों ने तो रास्ते में यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, एजुकेशन की बात हो रही है, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, और चाहे वो बिहार के हों, झारखंड के हों, या कहीं के हों, उससे मतलब नहीं है, या फिर मुंबई के ही हों, नवी मुंबई के हों, कुछ इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि जो आपके कहने का मतलब है कि बाकी बच्चे आखिर कहाँ जाए, यानी कि आपका सीधा कहने का मतलब ये है कि 1 से 8 तक के बच्चों का क्या, 9 से 12 का तो हो गया, ठीक है, यानी कि आप GR से संतुष्ट हैं, 9 से 12 के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उस GR से आप संतुष्ट हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ या ना। मैं हाँ या ना में जवाब देने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ। हाँ और ना का जवाब वो दे सकता है कि जो ना तो राजनीति को जानता है, ना समाज को जानता है, ना इस डेमोक्रेसी को जानता है। मैं तो ये पूरे डेमोक्रेसी को यहाँ पर आपके सामने खुली किताब की तरह रखना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का GR यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निकाला है, आज का निकाला हुआ GR और पहले का निकाला हुआ GR, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब शिक्षा मंत्री ने लिखा था कि जिस गांव में किसी भी प्रकार का 1 माह तक अगर कोविड का पेशेंट नहीं निकला है, उस गाँव में आप स्कूल शुरू करो, शुरू हुआ 8 महीने में, शुरू नहीं हुआ। आज यहाँ पर आपने लिखा है 9 से 12 तक के बच्चों को वहां पर बुलाना है। अरे आपने तो ये भी लिखा है कि उनका आरटीपीसीआर टेस्ट जो है कराना है शिक्षकों का, वो कराएंगे, और बच्चों का कब कराएंगे? इसके मतलब ये GR है, इस GR में खामियां हैं, खामियां, पूरी खामियां है, यानी पूरा GR ही मतलब ये अभी उसके बारे में जो शब्द है। जी जी, मैं आपकी बात समझ गया, दर्शक भी आपके बात समझ गए होंगे। अब मैं जाना चाहूंगा विजय घाटे जी के पास, जो BJP नेता है। जी विजय घाटे जी, आपको क्या लगता है इस GR में क्या है, सरकार ने क्या दे रखा है, आधा अधूरा GR है, या फिर आप उससे संतुष्ट हैं, क्या लगता है आपको? अभी
मैं जिनको सोनम वांगचुक कहता हूँ नवी मुंबई का, तो वो सुधाकर सोनावणी जी ने जिस तरीके से शुरुआत किया केंद्र से, तो वो केंद्र की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट और उसके जीआर के बारे में कहना चाहिए। केंद्र के बारे में हम लोग वापस कभी आप डिबेट में बुलाएंगे तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं उस बारे में। अब ये जो जीआर है जिसके ऊपर आज हम लोग बैठे हुए हैं, वो मिस्टर राजेंद्र पवार उप सचिव महाराष्ट्र शासन, इन्होंने निकाला हुआ जीआर है। अब ये जीआर जो है ये प्रयोगशाला नहीं होती, उसके अंदर चूहे रखे जाते हैं कि भाई उनके ऊपर कोई दवाई ट्राई करो और उसके ऊपर क्या रिजल्ट आता है और उसके हिसाब से करेक्शन करो, उस टाइप का ही मानसिकता से जीआर बनाया हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ चाहे वो ब्यूरोक्रेसी काम करे चाहे वो पॉलिटिशियन काम करे, डेमोक्रेसी के अंदर फाइनली सारा का सारा श्रेय हो या अगर चीज़ें गलत हो गई तो उसके बारे में जो भी खामियां जब भुगतना पड़े वो गवर्नमेंट को और मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ता है। तो इसका सारा दोष मैं ये सरकार को, महाविकास आघाड़ी सरकार को देना चाहूँगा। अब ये जी आर में क्या क्या प्रोविजन है ये मैं थोड़ी सी शॉर्ट में बताना चाहूँगा। अब इसके अंदर पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है, ये जी आर है 10 नवंबर 2020 का, प्रक्रमांक 140 SD6 है। उसके अंदर लिखा हुआ है COVID-19 बाबत केंद्र व राज्य शासनाच्या सूचना से पालन करण्यात यावे, यानी कि केंद्र की सूचना अलग है राज्य की सूचना अलग है, ये खुद ये जी आर का डॉक्युमेंट मानता है। विद्यार्थ्यांच्या उपस्थिती बाबत पालकांकडून आवश्यक ती लेखी संमती घेण्यात यावी। अब ये संमती घेण्यात यावी पालक से, ये कौन सा संमती लेना है आपने, इसके बारे में कोई कुछ गाइडलाइन आगे चल के कुछ भी दिया नहीं है। यानी मुझे एक याद आता है कि जब हमारे किसी आदमी को अगर हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करें और उनका अगर ऑपरेशन होगा तो डॉक्टर एक फॉर्म हमको साइन करने के लेता है कि भाई हम लोग ऑपरेशन के लिए आपके आदमी को लेके जा रहे हैं, कल को अगर कुछ हो गया उसका कम ज़्यादा तो हम जिम्मेदार रहेंगे नहीं, इस प्रकार का कोई एक फॉर्म होता है वो साइन करना पड़ता है। तो वैसे ही ये कार्य पद्धति हो गई गवर्नमेंट की कि भाई हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, आप खुद अपने बच्चे को जिम्मेदारी लो और उसको स्कूल में भेजो, पढ़ना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ना है मत पढ़ाओ। जी जी जी, यहाँ से तो शुरुआत है जी। आगे परिशिष्ट अ और परिशिष्ट ब में वो उन्होंने काम करके रखा हुआ है कि मैं तो कहता हूँ ये गवर्नमेंट महाराष्ट्र शासन इस एजुकेशन के बारे में, बच्चों के पढ़ाई के बारे में, बच्चों का भविष्य के बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है। जिस गवर्नमेंट का मुख्यमंत्री घर पे बैठता हो और जिस गवर्नमेंट का मार्गदर्शक खेतों में घूमता हो, ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी जो गवर्नमेंट है उसके पास से इससे ज़्यादा अपेक्षा महाराष्ट्र की जनता कुछ भी नहीं कर सकती। ये भारतीय जनता पार्टी के महासचिव के नाते मैं यही अपना पक्ष शुरुआत में रखना चाहता हूँ, आगे चल के परिशिष्ट अ और ब के बारे में बात करेंगे। जी 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 जी, हम अब आगे डॉक्टर भगत जी के पास जाना चाहेंगे। जी, आपको क्या लगता है इस जी आर से क्या महसूस करते हैं, क्योंकि आप अपने जो संस्था है आपकी पुनर्वसन सामाजिक संस्था मुक्त ब्यास पीठ के जरिए पेरेंट्स और स्टूडेंट की परेशानियों को अपने मन से सरकार के सामने रख चुके हैं। जी, आपको क्या लगता है ये जो जीआर निकाला है, लेकिन मैं शुरू से भी मैं संस्था के माध्यम से मई महीने के बाद जून महीने से ही मैं हमेशा आवाज़ रखा हूँ कि लॉकडाउन रद्द खत्म कर दो। लेकिन जो संसद का बिंदु, संक्रमण का जो बिंदु रखा है जी, वो मतलब संक्रमण का जो बिंदु है वो डर का बिंदु है, क्योंकि बहुत सारे उसके अंदर आज की तारीख में जो कोविड के बारे में जो बता रहे हैं, जो कुछ शिकायत है, जो कुछ WHO बोल रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन सब इसके अंदर इतनी गड़बड़ी है कि लोगों का आज विश्वास नहीं है। लोगों का विश्वास खत्म हो गया है जी कि कोविड है या नहीं, लेकिन फिर भी डर तो है ना, डर तो बना हुआ है ना। वो जो डर है जी, वो डर का बिंदु कायम रखा है, इसीलिए जो आज स्कूल जी, पहला उन्होंने शराब की दुकान चालू की जी, तो उस समय डर नहीं था क्या? बिल्कुल डर तो था। तो जो मार्केट चालू किए जी, फिर फैक्ट्री चालू किए, लॉकडाउन खत्म किया, फिर बिगिन लॉकडाउन, ये सब करते करते मंदिर चालू हो गए जी, लेकिन शुरू से भी जो डर का जो बिंदु रखा है ऐसा कौन सा, मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि मतलब कोविड से डरने की जरूरत नहीं, स्कूल खोलने की जरूरत है जी। मेरा कहना है कि आज गवर्नमेंट ने जो कुछ डिसीजन ले लिया है भले देर से ले चुका जी जी, कि स्कूल चालू होना चाहिए जी, और स्कूल चालू होने से जो 9th से 12th तक उन्हें चालू किया है
जी, लेकिन जो केजी से लेके एट तक का जो है नर्सरी से लेके उनका क्या करना है, उनका क्या करना है इस जीआर में उसका कोई उल्लेख नहीं है। सेकंड जी, जी जी, इस जीआर में जिम्मेदारी किसकी रखी है? ये चीज इसकी पूरी जिम्मेदारी रखे कारपोरेशन के ऊपर आ गया, जिसका कारपोरेशन बॉस हो गया ना, स्टेट गवर्नमेंट से बड़े कारपोरेशन हो गए। कि जीआर में लिखा है कि कारपोरेशन की जो समिति है, समिति के माध्यम से आप उसका कंट्रोल कीजिए। को जिम्मेदारी किसकी ऊपर दे दी है? टीचर्स, शिक्षक जी, पालक, पेरेंट्स जी, और स्टूडेंट्स जी। लेकिन अभी अभी स्टूडेंट ये तीनों को जिम्मेदारी दे, लेकिन जो संस्था चालक है जी जी, जो इतने सालों साल उन्होंने पैसा कमाया है जी, उनकी क्या जिम्मेदारी है? उनकी जिम्मेदारी इसके अंदर कितनी डाली है? उनको तो बाहर रखा है जी। इस तरह से संस्था चालक ने, मुद्दा ये है कि ऑनलाइन ही कितना नुकसान हो गया वो बात का बात है, लेकिन अपना मुद्दा है कि स्कूल चालू किए है, लेकिन ये स्कूल चालू करें जो कुछ जीआर में जो लिखा है मुद्दे जो है, जो जिम्मेदारियां, मुद्दे इतने समाधान कारक नहीं है, वो इतने मुद्दे इतने समाधान नहीं ताकि बच्चे को सही ढंग से शिक्षा मिले, सही ढंग से उसको पढ़ा सके। इतने उसके अंदर कंडीशन डाले है, वो बच्चे अंदर आ नहीं सकते है, वो टीचर आ नहीं सकते है, इसके लिए तो कन्फ्यूज है उसके अंदर। इस कन्फ्यूजन में कौन सा शिक्षक पढ़ा सकते है? खांसेगा तो फिर शिक्षक को भगाएंगे, कौन सा बच्चे को आप सही ढंग से एजुकेशन दे सकते हैं? कुछ सही से बस चालू करने चालू कर लिया, अभी मंदिर में मंदिर चालू किया, भीड़ तो आई। तो ये संक्रमण का बिंदु रखे, जिस तरह से स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है, और यानी कि आपके अनुसार स्कूलों को खोल देना चाहिए बिना किसी रोक टोक के कहीं ना। मेरा तो स्पष्ट है, मैंने तो शुरू में बात रखी कि लॉकडाउन ओपन कर दो, ये बिगिन आगिन का बात ही नहीं है, क्या है? मैंने शुरू किया कि लॉकडाउन ओपन ही कर दो जी, हमारे साथ हमारी जो लड़ाई है वो हम सैनिक है, हम लड़ेंगे, हम इस कोरोना वायरस से, आप बोल रहे कोरोना वायरस है तो है, हम लड़ेंगे, ठीक है, सैनिक अब लड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ विजय पाटिल जी हैं, जो पेरेंट्स के प्रतिनिधि के रूप में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या इत्तफाक रखते हैं आप इस जीआर से स्कूल खोलने को लेकर, क्या संशय है आपके मन में? आपके बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उससे कितने संतुष्ट हैं, आपके बच्चे कितने सुरक्षित हैं उस गाइडलाइन के अंदर? जी, सबसे पहला सवाल गवर्नमेंट से यही है, क्या कोरोना खत्म हो गया? अगर कोरोना खत्म हो गया है तो 9 से 12 तक बच्चे ही क्यों? एक छोटा सा मैं मदारी का उदाहरण देना चाहूँगा, आपका समय लेना चाहूँगा। जो मदारी अपने पेट पालने के लिए जब अपने रोड पे जब आपको कला दिखाता है और वो रस्सी पे चलता है, और अपना बच्चे को जब वो रस्सी पे खुद चलते हुए बच्चे को अपने सर पे लेता है, अपन तालियां बजाते हैं, आप उनको पूरा गारंटी रहता है कि वो अपने बच्चे उसके बच्चे को गिरने नहीं देगा। हम मजा लेता है वो खेल का, जब वो मदारी नीचे उतरता है सबका तालियां स्वीकार करता है, जब फिर वो रिक्वेस्ट करता है जो आम पब्लिक जो तालियां बजा रही थी उनको रिक्वेस्ट करता है कि अभी एक काम करो, आप में से किसी का एक का बच्चा हमको दे दो, हम वो बच्चे को लेकर के चलेंगे रस्सी पे। जब हम वो अपना बच्चा लेकर के रस्सी पे चलता हम ताली बजाते हैं, जब वो हमारा बच्चा जब मांगता है, जब हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हमको जब वो मदारी के ऊपर विश्वास नहीं रहता है कि नहीं अगर मेरा बच्चा छूट गया तो। अरे आज अगर आप बोल रहे हो कोरोना खत्म हो गया है, अगर कोरोना खत्म हो गया है शीतकालीन अधिवेशन नागपुर का अधिवेशन मुंबई में लेने की आपकी तैयारी चल रही है, हमारे बच्चों को आप स्कूल में बुला रहे हो, अगर कोरोना खत्म हो गया तो सब स्कूल चालू करो। अरे 9 से 12 तक ही क्यों? जिम्मेदारी लेना चाहिए आपको, आप हमारे ऊपर जिम्मेदारी रख रहे हो, हमसे लिखवा के ले रहे हो, हम बच्चों को कौन से हिसाब से भेजेंगे? गवर्नमेंट के पास कुछ फर्ज है कि नहीं? या कोरोना अगर खत्म हो गया है तो सब हटाना चाहिए। मेरा ये ही कहना है कि मदारी वाला खेल मत खेलो जनता से। यह माँ बाप की उन माँ बाप की पुकार है जो जिनके बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं या जाना है उनको, लोगों का कहना है। और हमारे जो पेरेंट्स के प्रतिनिधि यहाँ पर विजय
पाटिल जी आए हुए हैं, इनका कहना है कि हमारे साथ सरकार मदारी का खेल ना खेले, क्योंकि वो स्कूल तो ओपन कर रही है, स्कूल तो ओपन कर रही है लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है, जबकि सरकार को सिर्फ बच्चों की ही नहीं पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। वह बच्चों की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है। हम पुनः सुधाकर सोनावड़े जी के पास जाना चाहेंगे। जी, क्या कहना है आपका कि सरकार जो है इस समय वो मदारी का खेल खेल रही है, एक पेरेंट्स, एक माता पिता, एक बच्चे के माता पिता के दिल की पुकार है ये कि जहां सरकार को सारी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए वो जिम्मेदारी नहीं ले रही है और बस मदारी का खेल खेल रही है। जी, क्या कहना है आपका सुधाकर जी? मैं पहले तो विजय घाटे जी जिनको मतलब मैं केंद्र का नाम लेते थोड़ा बुरा लगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी बात आप समझ नहीं पाए। मैंने ये सारा जो पतंगड़ बनाया जा रहा है उसके बारे में मैंने विस्तार से अपनी बात रखने का प्रयास किया था। विस्तार से इसलिए मैंने किया था कि जब आपको जरूरत है आप करो, जब यहाँ फंसे हुए लोगों को अगर आपको जाना है तो आप चल के जाओ, ट्रक में जाओ, किस में भी जाओ, अभी पढ़ना है आपकी जिम्मेवारी, लिख के दो फिर पढ़ो। अगर लिख के दो बच्चा मर जाए, उसको कोविड हो जाए, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। हमारा देश जिस प्रकार के डेमोक्रेसी के ऊपर विश्वास करता है उसमें अहम भूमिका जो है आज के तारीख में वो केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार जिस प्रकार अपने जीआर को शिक्षा के बारे में, तो केंद्र की नीति क्या है, राज्य की नीति क्या है, हमारे देश की शिक्षा नीति क्या है, उस देश के शिक्षा नीति के तहत अगर राज्य सरकार या राज्य सरकार ने दी हुई ये स्थानिक स्वराज्य संस्था काम कर रही है तो उसके बारे में हमको गौर करना चाहिए, ना कि हमें टीका टिप्पणी करनी चाहिए कि केंद्र ने ये किया है, राज्य ने वो किया है। अरे जिसने किसी ने भी किया है तो हमारे साथ खिलवाड़ी किया है। आप मुझे बताइए कि जो लोग कहते हैं, विजय घाटे जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं पॉलिटिक्स की ओर जाना नहीं चाहता क्योंकि वो लंबा चर्चा हो जाएगा, हम लोग मुद्दे से भटक रहे जी। अभी नहीं, इनका तो जवाब दीजिए ना कि सवाल ये है, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें जो है हस्तक्षेप का सवाल नहीं आता। फेडरल स्ट्रक्चर नाम का एक सिस्टम डेमोक्रेसी में जो होता है वो फेडरल स्ट्रक्चर को सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, उन्होंने सर्टन गाइडलाइन दे दी है, महाराष्ट्र सरकार ने वो गाइडलाइन फॉलो करनी है। अब महाराष्ट्र सरकार का आजकल यही चल रहा है कि कुछ भी हो गया तो केंद्र की तरफ उंगली बताओ, अच्छा हुआ तो खुद के तरफ उंगली बताओ, तो ये राजनीति स्टॉप करके आपको बोलना चाहिए। और अगर राज्य सरकार को लगता है कि भाई हम केपेबल नहीं है एजुकेशन के पॉलिसी डिराइव करने के लिए, तो राज्य सरकार पता है केंद्र सरकार आपका काम कर देगी। जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी है क्या महाराष्ट्र सरकार उसको फॉलो कर रही है या उसमें कुछ परिवर्तन करके लाई है? महाराष्ट्र सरकार को कुछ SOP दे दिया है और जैसे महाराष्ट्र सरकार को दे दिया है वो कॉमन SOP हर एक स्टेट के लिए, हर एक यूनियन टेरिटोरी के लिए सब जगह दिया हुआ है। प्रॉब्लम ऐसा है कि दिल्ली में आपको कंप्लेंट नहीं है, पंजाब में आपको कंप्लेंट नहीं है, छत्तीसगढ़ में आपको कंप्लेंट नहीं है, तमिलनाडु में आपको कंप्लेंट नहीं है, केरल में कंप्लेंट नहीं है, आपका आंध्र तेलंगाना में कंप्लेंट नहीं है, महाराष्ट्र में क्यों कंप्लेंट आते हैं हर बार? हर बार कॉन्ट्रडिक्शन महाराष्ट्र सरकार में क्यों आता है? केंद्र को सवेरे जाने का गाली दे देने का, शाम को कुछ छेदी जैसा बात करने का और शुरू करने का, ऐसे एजुकेशन ये इतना इजी टास्क नहीं है। एजुकेशन उन बच्चों को दिया जाता है जिनके हम लोग आगे का भविष्य का भारत देख रहे हैं। आप भविष्य बिगाड़ रहे हैं भारत का, देश का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, ये मेरा कहना। जवाब दीजिए। मैं जवाब किस बारे में दूं? ना मैं किसी सरकार का प्रतिनिधि यहाँ पर हूँ, ना किसी पार्टी का प्रतिनिधि हूँ। मैं यहाँ पर अपनी बात इस देश का एक सर्व सामान्य नागरिक के नाते यहाँ दे रहा हूँ। जो सारी कमियाँ है, जिस प्रकार से विजय जी हमारे अच्छे मित्र है, लेकिन जिस प्रकार से वो अपने ऊपर, अपने पार्टी के ऊपर इस प्रकार से उसको ये कर रहे हैं,
वो थोड़ा मतलब जैसे वो कहते हैं कि इसको डायवर्शन नहीं देना है, लेकिन डायवर्शन खुद ही दे रहे हैं। मैं राज्य सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर सेंट्रल ने किस प्रकार की नीति अपनाई है और जो राज्य सरकार उसको फॉलो नहीं कर रहा है, मैं यही कह रहा हूँ कि पूरे देश की नीति खराब हो चुकी है। पूरे देश में राजनीति एजुकेशन में ये जो सर्वसामान्य लोग हैं कि यूपी को उनको यानी कि पूरी यूपी को परेशानी नहीं है, पंजाब को परेशानी नहीं है, एमपी को परेशानी नहीं है, फिर महाराष्ट्र को क्या परेशानी है? कहा ये सारे राज्य में स्कूल शुरू है मुझे बताइए। बिल्कुल बताइए ना, बिल्कुल कब से शुरू है? बिल्कुल बताइए, फॉर्मेट हो गया, उनके कॉलेजेस आ गए, एडमिशन का नोटिफिकेशन आ गया, एडमिशन चालू हो गए। अब देखिए मीडिया, देखिए न्यूज, देखिए कॉलेज का एडमिशन आज प्रॉब्लम ये हो गया। मैं देखिए व्यक्तिगत तौर से मैं इनको सोनम वांगचुक क्यों बोलता हूँ, इन्होंने जिस तरीके के नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल एस्टेब्लिश किए, मैं हकीकत में मानता हूँ कि इन्होंने एक फॉर्मेट सेट किया हुआ है। अब इनका जो मानसिकता है, इनका जो फॉर्मेट है, वो टेक्निकली अगर हम लोग इंस्पेक्ट करें तो ये जी आर का और इनका फॉर्मेट का कोई लेना देना नहीं पड़ता। इनका जो दर्द है वो मैं कह रहा हूँ, वो कह नहीं पा रहे। बात विद्यार्थी की भविष्य की, उसकी शिक्षा का बात है, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि हम पुरंदाजो हमारे नए मुंबई कॉर्पोरेशन स्थानीय स्वराज्य संस्था है, स्वायत्त संस्था जी, इस संस्था के माध्यम से इस कोविड में तो हमने अच्छा काम किया है, लेकिन जो शिक्षा के बारे में जो कॉर्पोरेशन के जो स्कूल है, वो कॉर्पोरेशन के स्कूल के बारे में गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएंगे। बात जो प्राइवेट स्कूल्स है जी, वो तो प्राइवेट स्कूल की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहला जिम्मेदारी रहती है कि जो संस्था चालक है उसका जो मालिक है जी, उसका जिक्र इधर किधर नहीं किया जी। जब गवर्नमेंट बोल रहे कि माँ बाप ने लिख ही देना चाहिए जी, कि बच्चे को भेजना है कि नहीं भेजना है, भेजना तो किधर भेजना है जी, और उसकी जिम्मेदारी नहीं, क्या लिखी देना है, कोई फॉर्मेट है जी, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ फॉर्मेट बताया क्या, क्या लिख के देना है? वही गवर्नमेंट बोल रहा है कि कॉर्पोरेशन की उसके ऊपर उसके भी समिति गठन के लिए, लेकिन क्या लिख के देना चाहिए, क्या लिख के देना है कुछ जीआर में कुछ सही ढंग से जो सुनावड़ी तो पारदर्शिता होनी चाहिए जी, कि लोगों को हिम्मत आनी चाहिए जी, सुनावड़ी हिम्मत नहीं आ रही लोगों को, माँ बाप की हिम्मत नहीं, लोगों को डर हो रहा है। आपने तो मुझे इस प्रकार से यहाँ प्रोड्यूस किया है कि जैसे मैं राज्य सरकार का सीधा प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। देखिए मित्रों, मैं आपके सामने सच्चाई रख रहा हूँ। सच्चाई ये है कि राज्य सरकार और राज्य सरकार की शिक्षा नीति और राज्य सरकार का शिक्षा मंडल जिस प्रकार से काम कर रहा है, आज हम कागज पे देख रहे हैं। जैसे विजय जी ने कहा कि और राज्यों में वहां पर कॉलेज के एडमिशन शुरू हो गए, प्राथमिकता क्या है, यानी कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसके बारे में क्या है, तो वो किसी को भी मालूम नहीं है। आज राज्य सरकार कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो है हमारा शिक्षण हुआ है। मुझे बताइए, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, इन सारे बोर्ड में आप अगर कहते हैं जिस प्रकार से मैंने पहले अपनी बात रखी और मुझे आपने पूरी बात रखने से रोक दिया, पूरी बात हो नहीं पाई। आज मैं एजुकेशन से संबंधित यही बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नीति यहाँ शिक्षा में अपनाई जा रही है, हमें कहा जा रहा है कि यहाँ ऑनलाइन शिक्षा शुरू हुई थी और अभी ऑनलाइन परीक्षा भी हुई है। आपको मैं बताता हूँ, जो जिस प्रकार से जिक्र यहाँ पर दशरथ भगत जी कर रहे हैं कि निजी स्कूलों में ऑनलाइन की परीक्षा खत्म हो गई है। आप अगर आपका पहला सेशन की परीक्षा अगर खत्म हो गई है और फाइनल में अगर आपने बोला कि हमें टेंथ की और ट्वेल्थ के अगर मार्च में नहीं लेंगे लेकिन मई जून में अगर परीक्षा ले लेंगे, हमारे बच्चे तो 8 महीने से स्कूल में ही नहीं गए हैं। तो ये जो अंतर है, ये दोनों के बीच में दरार पैदा करने वाला अंतर है। मैं ये कहता हूँ कि आज कागज के ऊपर कॉर्पोरेशन ने दशरथ भगत जी ने कहा कि लिख के देने वाली बात है, पेरेंट्स को लिख के देना है, सरकार को क्या लिख के देना है? नहीं, दशरथ भगत जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तफावत, जो दरार यहाँ पर है, वो इस प्रकार से है कि जैसे अगर आपके सीबीएसई बोर्ड में या सेंट्रल बोर्ड में जो निजी स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें हैं, उनमें अगर 80% बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे जो एजुकेशन के लोग हैं यहाँ हमें कहते हैं कि 3-5% लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण की है,
और अगर 3 से 5% लोगों ने, कहीं पर लिखा जाता है 30% लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा, मैं तो ये बताता हूँ कि कागज के ऊपर ये झूठा आश्वासन, यानी कि ये कॉरपोरेशन या कॉरपोरेशन के आला अधिकारी या राज्य सरकार के अधिकारी यहाँ पर लिख रहे हैं। और मैं आपके सामने यही रख रहा हूँ कि अगर आपके बच्चों ने यहाँ पर 3 से 5%, 30 से 40% अगर ऑनलाइन पढ़ाई की है, तो मुझे बताइए किस लोगों ने पढ़ाया उनको, क्योंकि वो जो सारे शिक्षक थे वो तो देखिए यहाँ पर माझे कुटुंब माझी जवाबदारी इस काम में 40 दिन 45 दिन तक काम किया उन्होंने, उसके बाद में घर घर जाके सर्वे करना, कोविड में ड्यूटी करना, इतनी सारी ड्यूटी करने के बाद वो जो शिक्षक थे वो कहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि शिक्षकों ने ये काम किया है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया है। ये कागज पे शिक्षा आप चाहते हो क्या? अगर कागज पे शिक्षा नहीं चाहते हो तो सीधा सवाल मेरा ये है कि किस प्रकार की नीति आज अगर आप किस प्रकार परीक्षा लोगे और उसमें हमारे बच्चे तो क्या सिर्फ पास करोगे? तो पहले सरकार ने जो नीति ली थी पहले से आठवीं तक पास करने का है, तो वही हो गया ना, आपको पास आउट करके छोड़ दो, आगे जाके उसको नौकरी नहीं करनी है, आगे जाके उसको सड़क पे गुंडा बनना है, यही तो शिक्षा नीति होगी हमारी। तो ये जो जीआर निकाला है, ये जीआर जैसे कि मैं ये कहूंगा, विजय जी ने कहा कि ये चूहे को वहां लैब में डाल के टेस्ट करना है कि स्कूल में जाने से कोई मरता तो नहीं है, मरने वाला कोई नहीं विजय जी, ना हम मरेंगे ना कोई मरेगा, इसमें तो सीआरपीसी टेस्ट के बारे में जो लिखा है वो शिक्षकों की करेंगे। और लेकिन घर घर जाके सारे परिवारों को बाधित किया उन शिक्षकों ने, उनका क्या करेगा? नवीन भाई का कोई परिवार नहीं बचा इसमें से कि जिसके घर में शिक्षक नहीं गया। विजय पाटिल जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। विजय खाटे जी, बात से मैं सहमत हूँ। हाँ। बात मैं ये करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जब 23 तारीख का जो मुदत दिया है, 23 तारीख से जो स्कूल चालू करना चाहती है जी। मैं चाहता हूँ कि लॉकडाउन के दरमियान जो हमारे जो रोजी रोटी के लिए जो इतर प्रांत से जो मजदूर आए थे वो अभी अपने घरों में गए, यहाँ पे अभी रोजगार उपलब्ध नहीं है जी। अभी आप स्कूल चालू कर रहे हो, उनको आने के लिए गाड़ी नहीं, टिकट नहीं है, उनके बच्चों का क्या? अभी जो बम्बई में है, जो जिस क्षेत्र में है वो उनके बच्चे तो स्कूल में चले जाएंगे। अभी हमारे भाई अभी गांव में, उनको आने के लिए टिकट नहीं मिल रहा, गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो उसका बच्चे का जो नुकसान होने वाला है जी, वो सरकार जिम्मेदारी ले रही है। उसके लिए क्या व्यवस्था है जी, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? चर्चा अभी जारी रहेगी, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में हाजिर होते हैं, देखते रहिए टीवी वन इंडिया। आते हैं पुनः डिबेट पे। हम जो कोरोना काल में स्कूल 9 से 12वीं तक जो खुले हैं और उस पर जो जीआर आया है सरकार का, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आपको बताएं एक बार फिर कि इस चर्चा में शामिल होने के लिए विजय घाटे जी, बीजेपी नेता, मेंबर सेंसर बोर्ड यहां पे मौजूद हैं, और दूसरे हमारे मेहमान हैं दशरथ भगत जी, अध्यक्ष नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था, और तीसरे हमारे मेहमान हैं सुधाकर सोनावणे, पूर्व महापौर हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में दीर्घकालीन अनुभव है इनका, और साथ ही पेरेंट्स यानी माता पिता का प्रतिनिधित्व करने हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं विजय पाटिल जी। तो इनसे चर्चाएं हो रही थी और चर्चाएं ये हो रही थी कि जो सरकार है उसने जो जीआर दिया है उसमें उसने सारी जिम्मेदारी, अभी जो हमारे मेहमान थे उनमें चर्चा में यही निकल के आ रहा था कि जो सारी जिम्मेदारी है बच्चों को स्कूल भेजने की, वो सारी जिम्मेदारी बच्चों के माँ बाप पर छोड़ दिया गया था। और इसमें सुधाकर सोनावणे जी ने कहा है, एक प्रश्न उठाया है कि जैसा कि राज्य सरकार, जैसा कि विजय घाटे जी ने कहा था कि राज्य सरकार ने एक चूहेदानी की तरह स्कूलों को खोला है और उसमें बच्चे जाए ना जाए उनमें प्रैक्टिकल हो रहा है, ऐसी बातें उन्होंने कही। तो हम विजय घाटे जी के पास आते हैं, उन्होंने चूंकि ये कहा है और सोनावणे जी ने उनका काट किया कि ऐसा नहीं है,
विजय घाटे जी, ऐसा आपको क्यों लगता है कि स्कूल चूहेदानी बन गए? इसलिए कह रहा हूँ जी, अगर यहाँ परिशिष्ट और ब आप अगर देखेंगे, ये जो इनका जी आर है उस हिसाब से जी, इन्होंने कहा है कि स्कूल में हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध करके दो। अभी 500 स्टूडेंट अगर आ जाएंगे, हर एक एक्टिविटी के बाद अगर हाथ धोना है तो हाथ कितने टाइम धोना है, उसमें कितना टाइम चला जाएगा, कितने लोगों की लाइन लगेगी, पढ़ेंगे कब, और ऊपर से 3 घंटा का स्कूल, इस तरीके से उन्होंने कहा है। आगे चल के वो क्या कहते हैं, 50% स्टूडेंट आज स्कूल में आएंगे जी, 50% ऑनलाइन पढ़ेंगे जी, अगले दिन जो ऑनलाइन है वो फिजिकली आएंगे, और जो ऑनलाइन जो फिजिकली थे वो ऑनलाइन चले जाएंगे। अब मुझे बात बताइए, ये सारों का मतलब अगर कोई समझाए मुझे, क्योंकि ये रॉकेट साइंस से भी बहुत बड़ा साइंस लग जाता है जी, ये सारा करने के बाद पॉइंट नंबर 7 परिशिष्ट अ में कहते हैं, मराठी में है, मैं मराठी में पढ़ के सुनाता हूँ, पालकों को समझना चाहिए कि ये गवर्नमेंट कितना सीरियस है करके जी। वो कहते हैं विद्यार्थ्यांच्या त्यांच्या पालकांच्या संमतीने घरी राहून देखील अभ्यास करता येईल, अशा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीच्या मूल्यांकनाकरता विशिष्ट योजना राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र यांनी तयार करण्यात यावी। अभी मुझे बात बताइए, ये जो योजना है, ये मुझे जो समझ में आता है, जिसको सोनावणे जी मुझे अगर मैं गलत हूँ तो कह सकेंगे सही है या गलत है, इनका कहना यह है कि ऑनलाइन जो एजुकेशन होगा उसके लिए जो भी मूल्यांकन होगा जी, उसकी मूल्यांकन की वैल्यू ये डिसाइड अभी होनी है जी। यानी अगर मैं ऑनलाइन सीख के अगर एग्जाम दे देता हूँ और मुझे 75% मार्क मिलते हैं तो गवर्नमेंट उसको 75% मानेगी या 50% मानेगी या 100% मानेगी, ये आज भी मुझे मालूम नहीं है, ये वो कहने वाले परिशिष्ट हमें आगे चल के यही जी आर कहता है, विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती बंधनकारक नसून पूर्णतः पालकांच्या संमतीवर अवलंबून असेल। जर का पालकांनी संमती दिली नाही, अगर पालकों ने संमति दिया नहीं तो फिर क्या करना है ये जीआर का? मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यही पूछते हैं कि अगर हमने संमति नहीं दिया तो उनका एजुकेशन का क्या हो गया? ये परिशिष्ट अ का सिर्फ मैं बात किया है, अभी परिशिष्ट ब का बात अगले सेशन में करेंगे। जो मुझे एज अ कॉमन पेरेंट जो मुझे लगता है, या एज अ कॉमन एक्टिविस्ट मुझे लगता है, या पदाधिकारी करके मुझे लगता है, क्षेत्र में सोनावणे जी का नया ज्ञान है वो मुझे उद्धृत कराए उसमें से, और मुझे भी समझ में आ जाए। सोनावणे जी, सोनावणे जी जी, देखिए जी आर परिशिष्ट अ ब क ड, ना मैंने जी आर लाया हूँ ना मैं जी आर पढ़ता हूँ। विजय जी ने यहाँ पर जी आर की बारे में जो भी जिक्र किया है, जो कहा है, मैं प्रैक्टिकल कहना चाहता हूँ विजय जी, मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से अपील करना चाहता हूँ कि जो शिक्षा नीति है, जिस तरह यहाँ से दबे कुचले लोगों को शिक्षा से बाहर करने की नीति मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, आप मुझे बताइए जिसके घर में, जो मैं कहता है ना कि बाबा साहब अंबेडकर ने इक्वालिटी लाने का प्रयास किया, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि छूत अछूत बाजू में बैठे, स्त्री और पुरुष बाजू में बैठे, वो नहीं है। बाबा साहब का कहना ये था कि हर आदमी को शिक्षा समान मिले। आज तो ये है कि हम देख रहे हैं कि निजी स्कूलों में धुआंधार पैसे की बारिश होती है, धुआंधार पढ़ाई होती है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, लेकिन हमारे बच्चे जहाँ कॉर्पोरेशन के स्कूल में जाते हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होती। चूहेदानी की बात ही मैं कर रहा हूँ, जो आप कहना चाहते हैं कि चूहेदानी, मैं ये कहता हूँ कि विजय जी आपको जो निजी स्कूल है वो चूहेदानी नहीं लगती है क्या? आपके बच्चे रात को 7 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेके जो निजी स्कूल के टीचर्स है, आप मुझे बताएं उनको 5-5 हज़ार भी पगार नहीं देता है, कई लोगों का तो पगार बंद कर दिया, उन लोगों से पूरा दिन वो लैपटॉप के सामने उनको बैठना है, पूरा दिन काम करना है। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकारी जो जितने भी शिक्षक है वो शिक्षकों ने क्या काम किया है? मैंने तो पहले डिबेट में यहाँ सुधीर जी से कहा था कि सरकारी बाबुओं के पगार बंद कर दो, ये कहेंगे कि भाई जिस देश में कोरोना है ही नहीं है, बात वही है। मैं सबसे पहले मैं अलग अलग स्कूल के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूँ, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, और मेरा कंसर्न तो ज्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विद्यार्थियों की तरफ ही है। क्यों मालूम है? आज तक पॉलिसी डिसीजन नहीं हो पाया। आज 9th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 साल जो है यहाँ पे विद्यार्थी का भविष्य तय होता है। आज के तारीख में स्कूल के अंदर बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुई नहीं है, म्युनिसिपल स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैंने 3 महीने से फॉलोअप शुरू किया हुआ है, अभिजीत बांगर जी के साथ मैंने फॉलोअप किया हुआ है कि 9th और 10th में अगर बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर पाए, और कितने भी कहो ऑनलाइन पढ़ाई और फिजिकल पढ़ाई इसमें फर्क है, ये मैं भी मानता हूँ,
क्योंकि आज मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं एमए कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ऑनलाइन स्टडीज और फिजिकल स्टडी का क्या फर्क है। म्यूनसिपैलिटी में जब 9th का बच्चा 10th का बच्चा आज तक उसको किताबें मिली नहीं है, वो 10th के एग्जाम के लिए जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से कोरोना नीचे आ रहा है, मुझे 100% गारंटी है गवर्नमेंट SSC और 12th की एग्जाम कंडक्ट करेगी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, चाहे वो अप्रैल में करे चाहे वो मई में करे। अब ये हालात में अगर 10th और 12th के बच्चों के सामने दो या तीन ऑप्शन रहते, एक पढ़ाई नहीं होने के कारण ड्रॉप ले लो, दूसरा पढ़ाई जैसा भी है करो और अपीयर हो जाओ, कम मार्क मिले तो उसको साइंस फैकल्टी में या अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा, तीसरा वो फेल हो जाएगा। अब तीनों चीजों में वो लड़के का भवितव्य अंधकार में कौन ढकल रहा है, ये निर्णय न लेने वाली सरकार ढकेल रही है, ये मेरा कहना है। आपको वाइन शॉप खोलने के लिए निर्णय लेने को आ गया फटाफट, क्या होम डिलीवरी वो आपको आ सकता है, वो निर्णय फटाफट हो सकता है, सवेरे उठ के गाली किसी को देने का ये निर्णय हो सकता है, स्टे देने के निर्णय हो सकते हैं, तो चालू करने के निर्णय आज तक नहीं हो पाए, आज नवंबर आ गया, नवंबर खत्म होने को आ गया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने बचे हुए, क्या बच्चे पड़े पढ़ाई की, तो होम डिलीवरी नहीं हो सकती ना, वो तो ऑनलाइन हो सकता है। देखिए सोनौने जी से मैंने जब हम लोग बैठे हुए थे तब मैंने बात किया, उन्होंने वर्कशीट का एक आइडिया दिया हुआ है, आप मुझे वो उनसे ही सुन लीजिए, आप बताइए वर्कशीट का क्या आइडिया, फिजिकल स्कूल है वन ऑफ द फाइनेस्ट आइडिया, क्यों इनके रिकमेंडेशंस सुने नहीं जाते, क्यों गवर्नमेंट को निर्णय नहीं लेना है। हमने वर्कशीट के बारे में हमने ये रास्ता नहीं देखा कि नई मुंबई कॉर्पोरेशन देगी या राज्य सरकार देगी, हम जो चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में जो स्कूल है उस क्षेत्र के 4,500 बच्चों को हमने यहाँ पर कार्य पुस्तिका दी है, जिस कार्य पुस्तिका को इस प्रकार से बनाया गया है कि घर में खुद ही सेल्फ स्टडी कर सकता है बच्चा, और सप्ताह में एक बार शिक्षक को आके पूछ सकता है या व्हाट्सएप के द्वारा उसको भेज सकता है, या शिक्षक सप्ताह में एक बार उसके घर में जाके पढ़ेगा, ये सारी चीज़ें तो हम मई महीने से ही मतलब शिक्षा मंत्री के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार के GR आते हैं वो GR को देख के हमें तो मतलब बुखार आने लगता है कि ये जिस प्रकार का GR है, GR का कोई अर्थ नहीं होता है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, जैसे यहाँ हमारे देश ने कुछ नीतियाँ बदली, निजीकरण आया, उदातीकरण आया, और ये जो हमारे खातीकरण उदातीकरण जागतिकीकरण, यह सगड़ा ये सारे चीजों पे जी, कोई मरता भी है रोड पे तो उसका स्पीड ब्रेकर निकाल दिया, स्पीड ब्रेकर क्यों निकाला मालूम है, क्योंकि जितने इंपोर्टेड गाड़ियां हमारे देश में आई वो इंपोर्टेड गाड़ियां आने के बाद में उसका जो डाउन डिस्टेंस जो होता है वो कम होता था, और स्पीड ब्रेकर में टच होती थी, और जो इंश्योरेंस कंपनियां है वो इंश्योरेंस कंपनी इसके बारे में इंश्योरेंस नहीं देती थी क्लेम करने के बाद में भी, तो इसके बाद में सरकार को फैसला करना पड़ा उनके हित में, गाड़ी के सामने मरने वाले के हित में नहीं, गाड़ी को इंश्योरेंस देने वाले के हित में उनको फैसला करना पड़ा, हमारे शहर के तो सारे के सारे एक रात में स्पीड ब्रेकर निकाल दिए गए थे, इसी प्रकार है ये किसी का फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ किया जा रहा है। जो GR है, जिस प्रकार से ABCDEFG ये सारा इसमें लिखा है, और इसमें इसका क्या अर्थ निकाल सकते हैं आप, हम ये कहते हैं कि हमने कई बार हमने यहाँ अभिजीत बांगर जी जो है उनको कहा कि आप यहाँ पर वर्क बुक दीजिए, क्यों नहीं दिया। देखो सोनौनी जी ने बोला कि ये तो GR है, ये किसी के हित में है, मेरा तो कहना तो स्पष्ट है कि जो संस्था जो निजी स्कूल है, जो निजी संस्था पे जो मालिक है उनको उनके जिम्मेदारी क्या है, उनकी जिम्मेदारी कुछ भी निश्चित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सरकार में बैठने वाले यही लोग हैं, सब पूरी जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर डाले है, शिक्षक के ऊपर डाले है, इसीलिए GR बड़ा डामडोल है। GR के हिसाब से जो वहाँ कंडीशन डाला है वो स्कूल चालू करने की स्थिति भी नहीं है, और बंद करने की भी स्थिति में नहीं है, और चलाने की स्थिति भी नहीं है, इसके अंदर कुछ हम सही ढंग से हम बोल नहीं सकते कि ये GR के मापद स्कूल चलता है, चलेगा या चला सकता है, कुछ हम आपकी बात समझ गए, आपकी बात समझ गए,
आपकी बात समझ गए जी। विजय पाटिल जी क्या सोचते हैं आप जी? मेरे को तो हंसी आ रही थी जी। सोनोने साहब जो स्पीड ब्रेकर का जो उदाहरण दिया जी, जो इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जी, मेरा ये समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट हमारे आप बच्चों के सामने इसमें स्पीड ब्रेकर कौन है, नुकसान किसका होने वाला है, फायदा किसको कराना चाहती है जी। जैसा कि इंश्योरेंस कंपनी के पक्ष में जी, या इंश्योरेंस कंपनी के सपोर्ट में गवर्नमेंट ने स्पीड ब्रेकर निकाले, क्या इंसान मरे जी? तो इंश्योरेंस कंपनी का सपोर्ट किया, उदाहरण उन्होंने अच्छा दिया, गवर्नमेंट किसके बारे में सोच रही? लेकिन अभी यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ बैठे बैठे, इसमें स्पीड ब्रेकर कौन है जी? तो क्या निकाला जा रहा है सुनावरे जी? और तो किसको मारा जा जी? सुनावरे जी जवाब दीजिए। विजय पाटिल जी कह रहे हैं कि आखिर स्पीड ब्रेकर किसको कह रहे हैं आप? मैंने आपको कहा कि 1985 के दशक में हमारे देश में जिस प्रकार की नीतियां अपनाई गई और उसका खामियाना जिस प्रकार से कष्टकारी बहुजन समाज को उठाना पड़ा वो आज यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे आज की नीतियां भी है वो शिक्षा क्षेत्र से गरीब तबके के बच्चों को उठा के बाहर फेंकना, ये है ये देश की शिक्षा नीति सबसे महत्वपूर्ण स्पीड ब्रेकर और हमारी ये है। तो पाटिल जी मैं जो कहना चाहता हूँ ये बहुत साफ साफ कहता हूँ मैं, और ये मेरी जो साफ साफ कहने की आदत है वो आदत भले मुझे मतलब कभी कभी थोड़ी तकलीफ दे होती है लेकिन उस तकलीफ से मैं डरता नहीं हूँ। मैं यही कहता हूँ कि शिक्षा नीति हमारे देश की, क्योंकि शिक्षा में इक्वलिटी कहाँ है आपको मुझे बताइए ना आप। मैं देखता हूँ कि जितने भी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है, डीम यूनिवर्सिटीज़ है, आप मुझे बताइए DY पाटिल है, वो हमारे बाद में पतंग राव कदम है, उसके बाद में ये जितनी सारी है वहाँ की सीटें, वहाँ की सीटें स्पीड ब्रेकर है। शिक्षा नीति स्पीड ब्रेकर, शिक्षा नीति स्पीड ब्रेकर नहीं है मेरे ख्याल से। शिक्षा नीति तय करने वाली जो गवर्नमेंट है वो स्पीड ब्रेकर है, ऐसा इनका कहना मैं मानता हूँ। क्यों मालूम है? अभी मैं पढ़ रहा था वाहन के हिसाब से, वाहन ही देख रहा था जी जी जी, वाहन में भी दिए है उसमें। हाँ, उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों को पालकों ने खुद के वैयक्तिक वाहन से छोड़ना चाहिए। अब उसके लिए वाहन भी लेना जरूरी है क्या? ये मुझे समझ में नहीं आता जी। ये GR कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर वाहन की बात की है गवर्नमेंट, अच्छी बात है, गवर्नमेंट की सोच बहुत अच्छी है। जैसा कि मंत्रियों के लिए बिगर ब्याज का व्हीकल लोन दिया है, हम पेरेंट्स को तो हम हमारे निजी वाहन से बच्चों को छोड़ेंगे, निजी वाहन से लोन मिलना चाहिए जी, लोन मिलना चाहिए। दत्ता जी, दत्ता जी जी बताइए। बात स्पीड ब्रेकर का हम बात कर रहे हैं कि सुधाकर सोनोने जी ने जो स्पीड ब्रेकर का बात की है, क्योंकि ये जो GR में सब सारे कंडीन सेल्स है जी, ये संस्था चालक जो होते कि हमारा बात हमेशा वही आके रुक रहे हैं, क्योंकि संस्था चालक के लिए ये जो हाई नहीं कुछ क्या तो जिम्मेदारी उनके लिए स्पीड ब्रेकर निकाल दिया जी। स्पीड ब्रेकर किसके लिए डाल दिया है? जो बच्चे के लिए डाला है, टीचर्स के लिए डाला है जी, और पेरेंट्स के लिए डाला है जी। तो ये हम मानते हैं इसके अंदर, ताकि लोगों को जो इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट क्या जिम्मेदार, कुछ नहीं जिम्मेदार ले रहे कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन क्या बोल रहे इसके अंदर पहले ही पेज पे है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेशन जिम्मेदार दी है, जिला कलेक्टर और कॉर्पोरेशन ने मिलके एक समिति स्थापन करे कंट्रोल करो। अरे कंट्रोल कैसे होगा? ये संस्था चालक ही खुद बड़े बड़े इतने बड़े है, ये क्या कमीशन का सुनेगा? ये GR से पालक और स्कूल वालों का संघर्ष तय है। अभी देखिए उसके अंदर प्रोविजन है, शाळा वाहतुकीच्या वाहनाचे दिवसातून किमान 2 वेळेला निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे, याने सॅनिटायझेशन अगर स्कूल का व्हीकल होगा तो दिन में 2 बार करना चाहिए। अभी मैं एक स्कूल के जो स्कूल चलाने वाले व्यवस्थापक है उनसे बात कर रहा था, उनके स्कूल के अंदर दिन का सैनिटाइजेशन सोडियम क्लोराइड या ऐसा कुछ केमिकल है वो यूज करके अगर सैनिटाइज करते तो 5,000 रुपए के करीब खर्च आ रहा है उनको, सरफेस सैनिटाइजेशन जिसको कहते हैं जी जी, वो अगर करेंगे 5,000, 20 दिन भी अगर स्कूल चला 1,00,000 रुपए का बोझ जो आएगा। स्कूल बोलेंगे हम कहाँ से 1,00,000 रुपए ले ले, हमको तो अभी तक फीस पूरा नहीं मिले। अब भरे पालक उनको म्युनिसिपैलिटी स्कूल के अंदर कॉर्पोरेशन क्या स्टैंड ले लेती है वो भी उसके ऊपर निर्भर है, ऊपर से व्हीकल का भी सैनिटाइजेशन करना है। आगे चल के क्या कह रही है गवर्नमेंट, शाला स्कूल के बाहर जो वाहतुक का समस्या होगा, ट्रैफिक होगा,
उसका पुलिस और समाज स्वयं सेवक जी मदद किया भी। अब पुलिस फोर्स है नवी मुंबई के पास कि जो हर स्कूल के पास 4-4 कांस्टेबल रखे और वो चारों कांस्टेबल कंट्रोल कर पाएंगे इतने सारे व्हीकल्स? ये मूर्खों भरा जीआर है। आगे चल के ये कह रहे हैं विद्यार्थी आपस में किताबें बुक नोटबुक पेंसिल वाटर बॉटल का एक्सचेंज ना करें। साहब 4 आदमी लोग मिल जाते हैं एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं, ये कॉमन चीज है, आप रोकेंगे कैसे बच्चों को? जी ये मुश्किल हो सकता है, ये मुश्किल हो सकता है। जी दशरथ जी कुछ कहना चाहते हैं? संदेश है पब्लिक को, जनता को संदेश है जी कि भाई साहब देखो हमारे बच्चे का टीचर है जी और हमें कोरोना के साथ लड़ना है बिल्कुल और जिंदा रहना है जी। हम हमारा हिम्मत करके क्योंकि गवर्नमेंट को जिम्मेदार लेने वाली नहीं है जी, वो हमने देख ली है जी, हमारा बच्चे स्कूल में भेज दीजिए और उसका शिक्षा पूरा कीजिए। ये नहीं तो क्योंकि बच्चा घर में रह रहे के वो गेम खेल रहा है बिल्कुल, और उसको तो नशा लगी है, उसकी तो चस्का लगी है जी गेम का, उसका जो उसको वो कैसा निकालेगी जी जी। आखिर में बच्चे को आप स्कूल में भेज दीजिए जी, यही मेरा सजेशन है, मेरा ये संदेश है। जो जो कुछ सुरक्षा है जी विजय पाटिल जी क्या होना चाहिए जी, क्या होना चाहिए? अभी अभी भाटिया जी ने जो बताया स्कूल का सैनिटाइजर का जो खर्चा है जी जी, स्कूल का बस का जो बस में लेके जाने वाले जी उसका खर्चा अगर महीने का 1,00,000 रुपया है जी, वो अगर स्कूल वालों को नहीं परवड़ेगा कल तो खाली पानी मार देंगे बिल्कुल, तो हम हमारे बच्चों को भेजेंगे किस आधार पे? होना क्या चाहिए जी 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 पाटिल जी, होना क्या चाहिए ये और हमको ये होना। अगर मैं तो पहले से बोल रहा हूँ अगर कोरोना खत्म हो गया है सब हटा दो सब स्कूल चालू करो, अगर आपको डाउट है एक साल जाने दो हमारे बच्चे, एक साल जाने दो, ये पेरेंट्स की आवाज है, एक साल जाने दो जी। सुधाकर सुनावड़े जी जी होना क्या चाहिए? मैं तो सीधे यही कहता हूँ कि पाटिल जी क्या कह रहे हैं, घाटे जी क्या कर रहे हैं, दशरथ जी क्या कह रहे हैं, नहीं कोई क्या कर रहा है उसका मतलब नहीं, होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए, ये जो बच्चे जिनके माँ बाप के सर पे बहुत अच्छा घर है खाने के लिए पैसा है ये इनकी बात है, लेकिन जिनके घर में ना रहने का ठिकाना है ना माँ बाप को काम है वो दर दर की ठोकरे खाते हुए रोजगार ढूंढ रहे हैं और शाम को कुछ कमा के लाएंगे तब बच्चों को खिलाएंगे, ऐसी हालत में उनके बच्चे कहाँ घूमते होंगे, किससे हाथ मिलाते होंगे, किससे टच होते होंगे, ये आपने कभी देखा है क्या? इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी सरकारी स्कूलें हैं उन सारे सरकारी स्कूलों को चालू करना चाहिए, उनके ऊपर अधिकतर ध्यान देना चाहिए और बच्चों को इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए, जैसे कि कोरोना का जो संसर्ग है उसकी सबसे ज्यादा जानकारी, उससे सबसे ज्यादा यानी कि जो भी क्या है वो बात बताइए ना, आप हमको सजेस्ट कीजिए, आप एक्सपर्ट हो मास्टर हो उसमें, तो आप एसओपी क्या होना चाहिए उसमें मार्गदर्शन कीजिए, सरकार को मार्गदर्शन कीजिए, आप बताइए होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? मैंने सरकार को एसओपी के बारे में ये जितना भी है ना डिस्टेंस एजुकेशन मैंने सरकार को लिखा, राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और मैंने कहा कि देखिए या तो अगर सरकार नहीं मान रही तो हमने खुद अपने स्कूल में कर लिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चों को आने दो, हर बेंच पे एक बच्चा बैठेगा। आप तो इसमें ये भी लिखा है कि बच्चे सिर्फ 2 घंटा स्कूल में आएंगे, ना कुछ खाएंगे ना कुछ करेंगे, 2 घंटे के बाद में सीधा घर जाएंगे, अगर स्कूल में उनको खाना खाने के लिए बाहर छोड़ दिया सब एक साथ आएंगे, यानी कि ये तो पूरा मजाक बना के रखा है एजुकेशन सिस्टम का, ये जो मजाक बना के रखा है इस मजाक को खत्म करो और जितनी सरकारी स्कूलें हैं उन सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों को आने दो, शिक्षकों को आने दो और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार को और कॉर्पोरेशन को लेनी चाहिए जी। मेरा अपना इस बारे में ये मानना है कि ये जीआरबीआर जो है एसओपी बीएसओपी नवी मुंबई के प्रशासक अभिजीत बांगर जी जो है इन्होंने फाड़ के फेंक देना चाहिए और अपना नवी मुंबई का एजुकेशन व्यवस्था के लिए म्यूनिसिपल स्कूल के लिए प्राइवेट स्कूल के लिए एक्सपर्ट्स है यहाँ पे, एग्जाम्पल सेट है यहाँ पे, वो एसओपी बनाना चाहिए और अगले 24 आवर्स में वो एसओपी डिक्लेयर करना चाहिए। अगर ये एसओपी गवर्नमेंट के महाराष्ट्र सरकार के एसओपी के साथ अगर चलना है तो ये वायबल होगा नहीं और सिर्फ संघर्ष यहाँ पे नवी मुंबई में होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन इन्होंने जो कहा म्यूनिसिपल स्कूल के बारे में, मेरे पत्र में मैं स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आज जो बच्चे म्यूनिसिपल स्कूल में जाते हैं उनके माँ बाप ये सोच के उनको भेजते हैं कि उनको वहाँ पे एक वक्त का खाना मिल जाता है, एक वक्त का नाश्ता मिल जाता है,
मैं नहीं अगर दे सकता तो बच्चा वहां पे स्कूल पे भी खा सकता है। आज के तारीख में वो भी बंद है। ये सारा सोच के नवी मुंबई के लिए अलग से स्पेशल एसओपी लागू की जाए और ये महाराष्ट्र सरकार की एसओपी जहाँ है वही सुरक्षित रखी जाए और इसका इम्प्लीमेंटेशन ना करे, उसी में नवी मुंबई की भलाई है, नवी मुंबई के एजुकेशन की भलाई है और म्यूनिसिपल स्कूलों के विद्यार्थियों की भलाई है, विद्यार्थियों की भलाई है जी। कुल मिलाकर के यह देखा गया इस पूरे डिबेट में कि यह जो जीआर आया है सरकार के द्वारा, इसको सिरे से हमारे सभी मेहमानों ने खारिज कर दिया है और सरकार से यह मांग की जा रही है कि नए एसओपी जो एक्सपर्ट तैयार करें और उसमें जो चीज़ें हैं, जो जो दर्द है, जो गरीब तबके का दर्द है, जो उच्च श्रेणी के लोगों का दर्द है, जो डर है, जो भय है, उसमें कुछ बदलाव करते हुए अपने नया एसओपी लाया जाए, यहाँ पे नया जीआर यहाँ पे लागू किया जाए, यहाँ पर आदेशित किया जाए और सभी का ध्यान रखा जाए। तो कुल मिलाकर के इस पूरे डिबेट का मतलब यही रहा कि जो सरकार ने जो जीआर लाई है स्कूलों को खोलने के लिए, वो पूरी तरह से हमारे मेहमानों ने उसे कूड़े के ढेर में डाल दिया है, वो किसी लायक नहीं है, कंफ्यूजन से भरपूर यह जीआर है। हालांकि इस पर हम जवाब लेने के लिए सत्ता पक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किए थे, लेकिन वो अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए। फिलहाल हम उनसे अन्य किसी डिबेट में फिर उन्हें आमंत्रित करेंगे और किसी और विषय पे उनसे भी उनका पक्ष जानेंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।